नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा चैनल काफ़ी पसंद आएगा। इस चैनल में मैं आपको बताऊँगी बहुत सारी छोटी छोटी उपयोगी टिप्स और कुछ डिलीशियस रेसिपीज। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं केले के जैन स्टाइल में समोसे, जिसमें आपको कोई लहसुन या प्याज की ज़रूरत नहीं है। केले के बिना लहसुन प्याज के समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए केले। ये मैंने छिलकों के समेत इन्हें उबाला हुआ है। सब्जी बनाने के लिए हम इसमें लेंगे राई, जीरा, सौंफ, खड़ा धनिया, अजवाइन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा कप मटर के दाने, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, शक्कर, अमचूर पाउडर, आवश्यकता अनुसार नमक और गार्निश करने के लिए हरा धनिया। समोसे की डो के लिए यहाँ मैंने 2.5 कप मैदा लिया हुआ है। मोयन के लिए आधा से 1 कप तेल, बेकिंग पाउडर, आवश्यकता अनुसार नमक और तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम लोग सब्जी बनाएंगे समोसे के लिए। मैंने कढ़ाई प्रीहीट होने के लिए रख दी है। कढ़ाई में आवश्यकता अनुसार तेल डालेंगे सब्जी फ्राई करने के लिए। तेल हमारा गरम हो रहा है, हम इसे चेक कर लेते हैं तेल गरम हुआ या नहीं। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे राई, जीरा, सौंफ, खड़ा धनिया, अजवाइन, हींग, कटी हुई हरी मिर्च। इसे अच्छे से चला लें। अब हम इसमें डालेंगे मटर के दाने। मटर के दाने पकने के लिए मैंने इस पर प्लेट रख दी है। अब हम इसमें मैश किए हुए उबले हुए केले डालेंगे। इसमें हल्का सा नमक डाल लें। इसे कुछ समय तक पकने देना है। अब आप इसमें एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्च, आवश्यकता अनुसार नमक, अच्छे से मिक्स कर लें। हम लोग की सब्जी ऑलमोस्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक है इसका, और डैम श्योर ये खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। आप इसे सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें समोसा फिलिंग करने वाले हैं। अब इसमें एट लास्ट हम लोग शक्कर डालेंगे। इसका खट्टा मीठा टेस्ट होता है, काफ़ी चटपटा सा। अब हम इसमें धनिया डालेंगे, धनिया पत्ती को गार्निश करने के लिए। अब हम लोग बनाएंगे समोसे के लिए डो। इसमें मैंने मैदा डाल दिया है प्लेट में। इसमें 1 पिंच बेकिंग पाउडर डालूंगी। आवश्यकता अनुसार आपको नमक मिलाना है। मोयन के लिए आप इसमें तेल डालेंगे।
मोमेंट इतना होना चाहिए कि हम लोग का डो इजीली तैयार हो जाए, और अगर आप हाथ से मिलाकर देखते हैं तो इस तरह से शेप आना चाहिए। आपको मैंने, अगर आप मेरी डेली व्यूअर हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैंने जो समोसे का वीडियो डाला था, आलू के समोसे, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ बताया हुआ है। जो नए व्यूअर्स हैं उन लोग उसे ज़रूर देखें। देखिए हम लोग का मोमेंट लग चुका है, इजीली ये इस तरह से टाइट शेप में आ रही है। मोमेंट लग जाने के बाद अब आप इसे ठंडे पानी से थोड़ा थोड़ा करके डो तैयार करेंगे। पानी आपको थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है, नहीं तो आपका आटा बिगड़ सकता है, ज़्यादा पतला हो सकता है। आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा तैयार करना है। आप देख सकते हैं मेरा डो लग चुका है। आपको उसकी टाइटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको डो तैयार करना है। अब हम लोग समोसा तैयार करेंगे। इस तरह से डो लेकर आप इसे रोटी की तरह बेल लीजिए। बेलते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा पतला नहीं करना है। हम लोग की रोटी टाइप का शेप तैयार है। अब हम इसे बीच में से दो भागों में अलग करेंगे, जैसे दो समोसे बनेंगे, एक ये और एक ये। आपको साथ में एक छोटी सी कटोरी में पानी लेना है, जो कि हम लोग समोसे की कवरिंग करेंगे। आपको इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ध्यान से देखिएगा। फोल्ड करने के टाइम आप यहाँ इसको पानी लगा सकते हैं, जिससे कि ये तलते वक्त टूटेगा नहीं। अब हम इसमें सब्जी भरेंगे। आपको ज़्यादा सब्जी नहीं भरना है, जितनी उसमें आ सके उतनी ही भरना है। ऐसी कवरिंग पे भी आप पानी लगा दीजिए और इसे इस तरह से पैक कर दीजिए। देखिए हमारे समोसे का शेप तैयार है, अब हम इसे तलेंगे। देख सकते हैं मेरे कुछ समोसे तैयार हो चुके हैं और कुछ तैयार होना बाकी है। जब तक मैं बाकी समोसे बना रही हूँ तब तक इन्हें हम तल लेते हैं। मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम होने के बाद हम इसमें एक एक करके समोसे तलेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके समोसे तलेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि आँच आपकी कम होनी चाहिए, फुल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप कम आंच पे करेंगे तो ये धीरे धीरे होके पूरे पकने लगेंगे, और अगर आप फुल पे करेंगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर का पक चुका होगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इन्हें आपको होने देना है, आपको इन्हें बीच बीच में हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी सा लुक है। आप देख रहे हैं मेरे समोसे जो कि रेडी है, इनका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो रहा है। अगर आप इसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आपको इन्हें वक्त देना होगा, इन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हम लोग इसे कम आंच पे तलते हैं। आप देख सकते हैं समोसे रेडी हो चुके हैं, इनका कलर पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे और सर्व करेंगे।
आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कुरकुरा खस्ता बना है। इसमें अगर आपके पास चटनियाँ अवेलेबल है तो आप चटनियाँ डाल सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ कैचअप से काम चला रही हूँ, आप इसमें कैचअप डालिए और हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंग करूँगी। और कुछ हरे धनिए की पत्ती के साथ डेकोरेट करूँगी। हमारा समोसा रेडी है।